टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाइवा यानी कि कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट है उसको जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट सबमिशन करना होता है उस प्रोजेक्ट में एक वाइवा सबमिशन होता है तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो आ सकते हैं उसके बारे में हम आज दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा अबाउट योर प्रोजेक्ट डिटेल्स, जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बताना है। जो भी फैकल्टीज आपका जो भी वाइवा ले रहा है वो आपको पूछेगा कि अबाउट प्रोजेक्ट के डिटेल्स, तो आपको उसमें बताना है। आपको पहले तो डेफिनेशन कैसे अपना जो अबाउट प्रोजेक्ट बताना है, तो सबसे पहले उसमें प्रोजेक्ट बैकग्राउंड है पूरा वो बता देना है। उसमें फर्स्ट जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और उसके बाद जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उस, और थर्ड नंबर पे हमें प्रोजेक्ट गाइड कौन कौन से गाइड है, अगर हमने कोई कंपनी के थ्रू प्रोजेक्ट किया तो वो सारी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर बतानी। और फोर्थ नंबर पर जो प्लेटफॉर्म हमने कौन से प्लेटफॉर्म पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और लास्ट में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से ये जो सारी 5 पॉइंट मैंने बताए वो सारे पॉइंट आते हैं जो अबाउट योर प्रोजेक्ट उसमें आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम, जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट के फ्यूचर स्कोप के बारे में बताना है, जो भी रिक्वायरमेंट और जो फ्यूचर में आप जो भी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं और जो भी एडवांटेजेस है आपके सिस्टम में वो सारी आपको यहाँ पर दिखानी है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें दोस्तों आपको आप जब भी वाइवा देने जाएंगे तब आपको डेटाबेस के रिलेटेड भी क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, जिसमें आपको यहाँ पे मैंने जो 5 पॉइंट बताया है उसको आपको ख्याल में रख के तैयारी करनी है। उसमें दोस्तों जहाँ पे डेटाबेस टूल्स, उसके बाद जो डेटाबेस टाइप आपने रिलेशनल डेटाबेस बनाया, कौन सा डेटाबेस बनाया उसके बारे में आपको क्वेश्चन अवश्य पूछेंगे। उसके बाद जो टेबल्स डिटेल आपके प्रोजेक्ट है उसमें कितने टेबल्स है उसकी, ये जो सारी डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो रेफरेंस डिटेल्स यानी कि आपने प्राइमरी की फॉरेन की जिसका यूज़ किया है, और नॉर्मलाइजेशन कब तक नॉर्मलाइजेशन की डिटेल, वो सब बातें हैं वो दोस्तों वो सारे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे इस टॉपिक पे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो SDLC मॉड्यूल के बारे में, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि आपने कौन सा मॉड्यूल है अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया और उसके फेजेज जो उसके स्टेज है उसके स्टेजेस जैसे कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये जो सारे फेजेस है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। और आपने जो भी मॉड्यूल यूज़ किया है, मान लो वहाँ पे SDLC के मॉड्यूल जो वाटरफॉल, स्पाइरल मॉड्यूल, वी टाइप और इटरेटिव ऐसे जो मॉड्यूल आते हैं उसमें से आपने कौन से मॉड्यूल का यूज़ किया, अगर आपने मान लो कि स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ किया है तो स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ क्यों किया है, उसकी सारी डिटेल्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सारी बातें हैं आपको उसमें बताने। और इसमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों वाइवा में पूछे जा सकते हैं तो आपको इसकी भी तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट है सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चन, आपको अपनी सिस्टम के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए जिसमें दोस्तों DFD के क्वेश्चंस, ER डायग्राम के क्वेश्चन एंड इनपुट आउटपुट डिज़ाइन के बारे में क्वेश्चन अवश्य पूछे गए। दोस्तों DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम, आपका प्रोजेक्ट का डेटा फ्लो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितनी DFD तक आपका फ्लो जा रहा है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप का आपने यूज़ किया है, अगर यूज़ किया है तो उसका डायग्राम कहाँ पर है और डायग्राम कैसे वर्क करता है वो सारी डायग्राम में डिटेल्स आपको समझानी। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, तो उसमें दोस्तों इनपुट आउटपुट डिज़ाइन में आपके जो एडमिन पैनल है, यूज़र पैनल है, कितनी पैनल यूज हुई है और कैसे यहाँ पर वर्क होता है, कहाँ से लॉग इन होता है, वो सारी डिटेल्स है वो आपको इनपुट आउटपुट डिज़ाइन में दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों DFD लेवल की, तो यानी कि DFD लेवल को आपको कैसे समझना, दोस्तों यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा, जो DFD लेवल है और सेकंड लेवल तक की DFD आती है, उसमें से 0 लेवल की DFD है उसमें दोस्तों उसका एग्जांपल है लॉग इन मॉड्यूल, ताकि जब भी लॉग इन हो तो उसमें से एक यूज़र लॉग इन हो रहा है और एक दूसरा है वो एडमिन लॉग इन हो रहा है, तो इसको आप 0 लेवल की DFD बोल सकते हैं। फर्स्ट लेवल की DFD की बात करें दोस्तों तो मेन मेनू, जब भी यूज़र अगर लॉग इन हुआ और जो भी मेनू उसके सामने आए तो वो जो सारे मेनूस है उसको आप, वो फ्लो है मेनू का उसको आप फर्स्ट लेवल की DFD बोल सकते हो। उसके बाद जो सेकंड लेवल की DFD की बात करें तो यूज़र जब लॉग इन हुआ उसके बाद उसके सामने जो मेनू आए फर्स्ट लेवल के फ्लो के और उनमें से जो सब मेनू जाता हो, कोई भी उसमें से सब मेनू हो तो उसको आप सेकंड लेवल की DFD बोल सकते हो। तो आपको वैसे ही जो DFD के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों DFD का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं तो उसकी आपको तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों एंटिटी रिलेशनशिप की, कि जैसे हमने बात की थी रिलेशनशिप, आपने दो
मान लो दो फील्ड के बीच में रिलेशनशिप दी है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप दी है, तो आपको दिखानी पड़ेगी, उसका चार्ट भी दिखाना पड़ेगा और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आपको एंटिटी रिलेशनशिप के यानी कि ईआर डायग्राम को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसके क्वेश्चन अवश्य आ सकते हैं, तो इसकी भी तैयारी कंपलसरी करनी है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, तो उसमें दोस्तों डिज़ाइनिंग फॉर्म्स टूल्स, उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपने लगाया है डॉक्यूमेंटेशन में, जब भी आप प्रेजेंटेशन पे उसका एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके बाद जो कोडिंग फंक्शन है, वो जो सारे क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिज़ाइन के रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाए। लेकिन दोस्तों बहुत कम ही चांस है कि इनपुट आउटपुट डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछे जाए। उसके बाद दोस्तों बात करें टेस्टिंग, दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेस्टिंग के पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन डीएफडी टेस्टिंग वो सब क्वेश्चन तो आते ही अवश्य। तो उसमें दोस्तों तीन टाइप की टेस्टिंग होती है, एक जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसके बाद आती है जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और उसके बाद आती है जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में दोस्तों ओनली फैसिलिटीज है, जो भी एनालिसिस है वही होता है, और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें जो फैसिलिटीज़ भी चेक की जाती है, डिजाइनिंग भी चेक की जाती है, कोडिंग भी चेक की जाती है, तो वो दोस्तों व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है। लेकिन हमने जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो हमने ही बनाया, टेस्ट भी हमने किया है, जो भी फैसिलिटीज़ वो सब चेकिंग भी हमने किया, तो हम दोस्तों ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आएंगे। यानी कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग यानी कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये होगा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो उनमें दोस्तों कोडिंग, डिजाइनिंग, फैसिलिटीज़, एनालिसिस और सब चीज़ें यहाँ पे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के होगी। तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस है वो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको जब भी आप वाइवा देने जाए तब आपके डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको जितना नॉलेज है शॉर्ट में सब कुछ डिटेल एक्सप्लेन की होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझा पाएंगे। और जो भी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो या तो आप उसका नॉलेज ले लीजिए, या तो वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंटेशन और जो पीपीटी आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो उसमें से हटा दीजिए। और दोस्तों जब भी आप पीपीटी एक्सप्लेन करने जाओ तो पीपीटी है वो बहुत लॉन्ग नहीं बनाए, शॉर्ट में पीपीटी बनानी और जो सारे जो टॉपिक्स है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करने हैं, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और अच्छे से मार्क्स प्रोजेक्ट्स में ला सके। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।